हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हीरोंस फॉर्मूला से किसी ट्रायंगल का एरिया किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोंस फॉर्मूला। तो हीरोंस फॉर्मूला किसी ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए ही लगता है, और तब लगता है जबकि तीनों की तीनों साइड्स हमें पता हों। ठीक है, तो सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, लेट ए बी और सी। ठीक है, अब ट्रायंगल की तीन जो साइड्स होती हैं उसमें से एक को हम ए, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं, दूसरी को बी से और तीसरी को सी से। तो साइड, जैसे बी सी साइड को हमने ए मान लिया, ए सी साइड को हमने बी मान लिया, ए बी साइड को हमने सी मान लिया। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों का सम करते हैं तो ये इसका पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर को डिवाइड बाय टू कर देते हैं तो वो कहलाता है सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले तो हमको ढूंढना होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो उसे कहते हैं एस। एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक, दिस एस इज, एस इज सेमी पेरीमीटर। ठीक है, यानी पेरीमीटर का हाफ ये हो गया। इसके बाद हम लगाते हैं इसके अंदर हीरोंस फॉर्मूला। तो हीरोंस फॉर्मूला क्या है? एरिया ए इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये है हमारा क्या, हीरोंस फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम S का यूज़ करते हैं, यानी उसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। जब हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाता है उसके बाद हम वो S की वैल्यू और A, B, C की जो भी आपको वैल्यू दी है वो इसमें रख करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे इसका ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ आए। ठीक है, सपोज़ ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका कि हमें एरिया निकालना है। अब इसमें जो तीन साइड्स दे रखी है, एक दे रखी है 16, दूसरी दे रखी है 14 और तीसरी दे रखी है 12। ठीक है, किसी में भी है, सेंटीमीटर, मीटर, जिसमें भी दे रखी हो। तो अभी हमें ये साइड दे रखी है जिसका हमें एरिया निकालना है। अब यही क्या है, ए बी सी कहलाती। तो हमने मान लिया कि हमारा जो ए है वो ये है, बी ये है और सी जो है वो हमारा 12 है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग ए 16, बी 14 और सी 12। ठीक है, जिसमें भी यूनिट अभी हमने मान लिया, जो भी यूनिट हो। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है, हमने सबसे पहले देखा एस, तो एस होता है सेमी पेरीमीटर। तो पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालें। सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज रखो, ए ए कितना है 16, बी 14, सी 12 अपॉन टू। इसको प्लस करेंगे सबको तो 16 और 14 30, 30 और 12 42। ठीक है, और नीचे 2, 2 से 42 कैंसिल करोगे आप तो ये हो जाएगा 21 टाइम। तो जो ये आया 21 यूनिट, ओके, तो हमारा जो एस की वैल्यू आई है वो आई है 21 यूनिट। अब जब एस आ गया तो अब हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का हीरोंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब एरिया निकालो। तो हीरोंस फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ओके, अब सारी वैल्यू अगर इसमें रखें हम तो ए रूट ऑफ एस, एस कितना आया हमारा, ओके, मैं सारी वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। एस हमने जो पता किया है वो 21, ए जो था वो था 16, बी 14 और जो सी है वो 12 है।
ओके तो हम यहीं से ही देख लेंगे। तो हमारा जो एस आया था वो आया था 21, फिर एस 21 माइनस ए 16, ब्रैकेट क्लोज, फिर ये एस 21 माइनस और फिर बी की वैल्यू जो हमने ली थी 14, फिर एस अगेन 21 माइनस और सी, सी हमारा क्या था 12, ठीक है अकॉर्डिंग टू फिगर। तो अब इसे सॉल्व करें तो ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 21 इंटू 21 माइनस 16 दैट्स 5, 21 माइनस 14 दैट्स 7 इंटू 21 माइनस 12 9, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, रूट में है ठीक है, 21 कैन बी राइट एज 3 इंटू 7 इंटू 5 तो ऐसे ही रहेगा, फिर 7 और 9 कैन बी राइट एज 3 इंटू 3 अगर फैक्टर प्राइम फैक्टर में लिखे तो, ठीक है। अब देखिए जिसके पेयर बन रहे हैं वो रूट से बाहर हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू ये 3 और ये एक 3 तो ये रूट से बाहर कर दो, इसी तरह से 7 और 7 दो हैं तो ये रूट से बाहर हो जाएंगे और बचेगा क्या, बाकी पेयरिंग है नहीं इसीलिए बाकी 5 अंदर ही रह जाएगा और इसका एक नहीं है तो 3, तो फाइनली जो एरिया आएगा वो आएगा 3 7 जो 21 और रूट ऑफ 5 3 जो 15, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा यूनिट स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर, होपफुली आपको समझ आया होगा कि हिरॉन फार्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।